राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ गजब हो रहा है। बंगाल जाने से पहले ममता बनर्जी अलग हो गई, बिहार आने से पहले नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, यूपी पहुंचने से पहले समाजवादी पार्टी अलग हो सकती है। वजह एक नहीं है, न सीट शेयरिंग फाइनल की गई, न मुद्दे, न नेतृत्व। कांग्रेस के रणनीतिकारों ने राहुल गांधी को उस मौके पर न्याय यात्रा में उलझा दिया जब पॉलिटिकल मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। सार यह है कि अगर रणनीति का नाम ईवीएम रख दे तो मान सकते हैं कि ईवीएम ही हैक होती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बाहर आई है, राहुल गांधी को ममता दीदी ने बंगाल से भगा दिया। ममता सरकार ने राहुल गांधी को बंगाल में घुसने से रोक दिया। पश्चिमी बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक इंडिया गठबंधन की बैठकों में साथ साथ नजर आ रहे थे। अब ममता बनर्जी ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीदी के इस दांव के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के मोड में है। वहीं ममता बनर्जी के तेवर नरम पड़ते नहीं नजर आ रहे। अब टीएमसी और कांग्रेस के बीच दूरियां किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ममता के राज्य में पुलिस प्रशासन ने राहुल गांधी को जनसभा करने तक की अनुमति नहीं दी। राहुल गांधी की यात्रा पश्चिमी बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस ने सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की जनसभा के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी लेकिन नहीं मिली। इसे लेकर पश्चिमी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यात्रा के बंगाल में आने के बाद हमने एक छोटा सा निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी में एक जनसभा की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। उन्होंने लगे हाथ पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा दिए। अधीर रंजन ने कहा कि बंगाल में अगर सत्ताधारी पार्टी के विरोध में कुछ होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा पूरे देश के लिए है, यह यात्रा किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। अधीर ने कहा कि एक ताकत है जो देश को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस ताकत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पहले कन्याकुमारी से कश्मीर और अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा का निर्णय लिया। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटें ऑफर की थी। अधीर ने तब कहा था कि हमें भीख नहीं चाहिए, हम 2 सीटें अकेले चुनाव लड़कर ही जीते थे और फिर से जीत सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तलखी के बीच ममता बनर्जी ने 2024 के चुनावी रण में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।